सारे फोन पीछे कर लो सबसे पहले जय हिंद आप सबको। हाल ही में हमारा ऑप सोल्की का ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 19 तारीख से, उसके बारे में बहुत संक्षेप में आपको मैं ब्रीफिंग करूंगा। पिछले कुछ दिनों से हमको ये लगातार खबर मिल रही थी कि दो टेररिस्ट कालाकोट के इलाके में यहां पे अपनी गतिविधियां बढ़ा के उन्होंने काम बढ़ा रखा है, और 19 तारीख के रात को हमको ये कन्फर्म खबर मिली कि पाकिस्तान का हाई रैंक एलईटी टेररिस्ट जिसका नाम की कारी है, वो जो कि काफी समय से रजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव था, वो अपने एक साथी के साथ इस इलाके में ऑपरेशंस के लिए यहां पे शामिल हुआ है। इस खबर के आधार पे तुरंत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पे शामिल राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी इंटेलिजेंसीज, उन्होंने तुरंत ऑपरेशंस को कारगर रूप में शामिल किया, प्लानिंग की और साथ ही साथ तुरंत अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी उन्होंने। 22 तारीख को करीबन 8:30 पर दोबारा जनरल एरिया काबूकोट, जहां पे पहले खबर आई थी, इन दो टेररिस्ट का दोबारा सूचना मिला कि इनकी यहां पे गतिविधियां चल रही हैं। इस खबर के आधार पर सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, क्योंकि इस इलाके में जंगली इलाका है, जंगल के इलाका है और साथ में कुछ सिविल लोगों के ढोक भी हैं, बड़े तफसील से यहां पे प्लानिंग की गई थी ऑपरेशन की। जिस इलाके में हमारी पार्टी सर्च कर रही थी उस समय उस इलाके में एक सिविलियन का अकोमोडेशन भी था या फिर ढोक था, और सर्च के प्रक्रिया के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई है टेरेस के द्वारा। सिविलियंस की जान को खतरा, जहां की वहां पे लेडीज भी थे और बच्चे भी थे, जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल, सबसे पहले वो कवर से बाहर निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहां से सेफ्टी के लिए निकाला और तुरंत ही जवाबी फायर की कार्रवाई की। कैप्टन प्रांजल, एमवी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे, तुरंत ही वो लॉन्च हो गए थे और इस इलाके के लिए उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। कैप्टन प्रांजल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उन्होंने बिल्कुल कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं होने दिया। उस इलाके की अंडरग्रोथ, बोल्डर्स, बहुत ही मुश्किल टेरेन, इस सब का एडवांटेज लेके टेररिस्ट जंगल के अंदर चले गए और लगातार फायर को उन्होंने बरकरार रखा। हमारे ट्रूप्स जिसमें कि शामिल है 9SF और 2SF, उन्होंने इस कॉन्टैक्ट को बना के रखा और टेररिस्ट का सर हमेशा नीचे रखा। ये फायर फाइटिंग काफी समय तक चलता रहा और इस समय के दौरान धीरे धीरे करके हमारे स्पेशल फोर्सेस और हमारे बहादुर जवान इन टेररिस्ट के नजदीक आए। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे 3 सोल्जर्स शुरू में घायल हो गए थे, उसके बाद में कंफर्म हो गया कि वो अपने चोट की वजह से उनका सैक्रिफाइस हो गया था, पर ये फायर फाइटिंग कंटिन्यू होता रहा और ये यकीन किया गया कि ये टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। जब तक ये ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा, करीबन शाम का 17:30 बजे का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है, और इसके वजह से साथ ही साथ
एडिशनल ट्रूप्स की बिल्डअप और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए। इसमें हमारे अन्य आरआर यूनिट 54 आरआर, 2SF, 63 आरआर, 9SF सभी ट्रूप्स इंक्लूडिंग JKP उन्होंने कॉर्डन को एस्टैब्लिश किया और यकीन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इलाके को कंट्रोल में हासिल कर सके। रात भर इस इलाके को UAV के द्वारा, नाइट एनेबल कैमरास और मॉडर्न इक्विपमेंट जो कि ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे उसके सहायता से इस इलाके पर अच्छी तरह से निगरानी बनी रखी गई और ये यकीन किया कि टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। 23 तारीख की सुबह फर्स्ट लाइट पे दोबारा सर्च की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन 7:40 पर एक टेररिस्ट जो कि स्क्वाड्रन के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था उसको हमारे पैराट्रूपर सचिन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसने तुरंत ही उसके ऊपर फायर डाला। सचिन के फायर के ऊपर टेररिस्ट ने भी जवाबी फायर किया और उस फायर के दौरान सचिन घायल हो गए, पर तुरंत ही 2SF और 9SF की बाकी टीम्स ने तुरंत ही बिल्डअप कर लिया था और ये फायर को लगातार बनाए रखा गया और करीबन 1330 बजे तक दूसरा टेररिस्ट भी एलिमिनेट कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 5 सूरवीर, कैप्टन प्रांजल, कैप्टन शुभम, हवलदार माजिद, लास्ट नायक संजय बिश्त जो कि हाल ही में बुद्दल के इलाके में भी टेररिस्ट के साथ ऑपरेशन में ही शामिल हुए थे, और पैराट्रूपर सचिन, इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, दे फॉट वेल, दे फॉट हार्ड एंड दे फॉट फॉर देयर ब्रदर्स। इन्होंने देश के सर्वोच्च इज्जत के लिए और टेररिस्ट के एलिमिनेशन के लिए जो शहादत प्राप्त की है, हम सबको इनसे प्रेरणा मिलती है और ये यकीन दिलाते हैं आपको कि ये कार्रवाई आगे भी बरकरार रहेगी। ये दोनों ही टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट थे जिनमें वो बहुत ही वांटेड टेररिस्ट था और ये यकीन में आया है कि इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है और कारी एक ID एक्सपर्ट भी है और ये बहुत ट्रेंड स्नाइपर भी है। काफी विशेष